450 गैस सिलेंडर से भरे ट्रक पर गिरी बिजली, 2.5 घंटे तक धमाके होते रहे। 15 घंटे बंद रहा हाईवे। जयपुर कोटा हाईवे पर भीलवाड़ा के हनुमान नगर में मंगलवार रात बड़ा हादसा हुआ। यहां टिकर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हाईवे पर चल रहा ट्रक पलट गया। ट्रक में 450 घरेलू गैस सिलेंडर भरे थे। ट्रक पलटते ही आग लग गई और सिलेंडर फटने लगे। एक के बाद एक करीब 2.5 घंटे तक सिलेंडरों में धमाके होते रहे। इस हादसे के करीब 15 घंटे बाद भी नेशनल हाईवे नंबर 52 बंद है। बुधवार सुबह कोटा, अजमेर और जयपुर जाने वाले यात्रियों को पहले ही रोक दिया गया। इन्हें डाइवर्ट कर जहाजपुर होते हुए बसोली मोड़ से निकाला गया। सिलेंडरों से भरा ट्रक नसीराबाद से कोटा के भवानी मंडी की तरफ जा रहा था। इस हादसे के बाद आग इतनी भीषण थी कि लपटें 5 से 7 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। हनुमान नगर थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन सिलेंडरों में विस्फोट व आग विकराल होने से कोई भी ट्रक के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। विस्फोट के साथ सिलेंडर उछल उछल कर 0.25 किलोमीटर दूर तक गिर रहे थे। दिव्य हिंदी न्यूज नेटवर्क राजस्थान। सभी ब्रेकिंग न्यूज के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दिव्य हिंदी न्यूज नेटवर्क आपके परिवार को जागरूक रखे और आपको एक्टिव।